खाते थे कुछ। इसमें क्या है? खाना। खाना? दो दिन से कुछ खाया नहीं, दे दे बेटा। मेरे दादाजी ने एक साल से कुछ नहीं खाया। एक साल से? एक आइडिया दूं? हाँ। आप पंडित बन जाओ, लोग आपको खाना भी खिलाएंगे और दक्षिणा भी देंगे, फिर आपको भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। आइडिया नहीं, खाना चाहिए खाना। वैसे इधर कोई दूसरा मंदिर है? मंदिर उधर है और मस्जिद उधर। लेकिन मंदिर तो बंद है। भगवान के नाम पे दे दे कुछ, भगवान के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे कुछ। आप पंडित जी हो ना? नहीं बेटा, मैं पंडित नहीं हूँ। लगता है आप गलत जगह आ गए हो। ये गलत जगह है? नहीं, जगह तो सही है, आप गलती से आ गए हो। मंदिर अगली वाली गली में है। ये क्या है फिर? ये मस्जिद है, अल्लाह का दरबार है। यहाँ क्या होता है? जैसे मंदिर में आप भगवान की पूजा करते हो, वैसे ही मस्जिद में अल्लाह की इबादत करते हैं। आप कौन हो? मैं यहाँ का मौलवी हूँ। मौलवी मतलब? जैसे मंदिर में पंडित होते हैं, वैसे मस्जिद में मौलवी होते हैं। तो आप दोनों सेम हो? हाँ, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं। आज मेरे दादाजी की बरसी है, आप प्लीज ये खाना खा लीजिए। मैं क्यों? क्योंकि आप मस्जिद के पंडित हो ना। नहीं बेटा, ये खाना मेरे लिए नहीं है। पता है, ये खाना दादाजी के लिए। आप ये खाना इधर खाओगे, उन्हें वहाँ बटर चिकन मिलेगा। उन्होंने एक साल से कुछ नहीं खाया, आप प्लीज ये खाना खा लीजिए। बेटा, तुम मंदिर क्यों नहीं चले जाते? मैं गया था, मैंने बहुत ढूंढा, वहाँ कोई भी नहीं था। बेटा, जो काम पंडित कर सकता है वो मौलवी नहीं कर सकता। अभी आप ही ने तो कहा कि आप दोनों सेम हो। खाना ही तो खाना है, इसमें लड्डू भी है। अरे आप बात समझ क्यों नहीं रहे हो? पंडित और मौलवी सेम होके भी अलग हैं। आप अल्लाह के नाम पे खा सकते हैं। फर्ज करो मैंने खा लिया, फिर भी तुम्हारे दादाजी को नहीं मिला तो? आप क्या पंडित जी से कम पावरफुल हो? तुम्हारा काम मंदिर में ही हो सकता, यहाँ नहीं। क्यों? मंदिर और मस्जिद में क्या फर्क है? तुम किस भगवान को मानते हो? शिव जी। तो शिव जी की पूजा करने के लिए हनुमान मंदिर जाते हो क्या? नहीं ना, यही फर्क भगवान और अल्लाह में है। लेकिन मम्मी कहती है कि सारे भगवान सेम है, वैसे अल्लाह कितने हैं? अल्लाह तो एक ही है बेटा। तो आप इतने श्योर कैसे हो कि भगवान और अल्लाह सेम नहीं है? जैसे मेरा नाम राहुल है, मम्मी मेरे को टिक्कू बुलाती है, पापा मेरे को रॉकी बुलाते है, मेरे दोस्त मेरे को राहुल बुलाते है, लेकिन हूँ तो मैं एक ही राहुल। वैसे ही शिव जी, अल्लाह, हनुमान सब सेम ही है। लेकिन यहाँ सिर्फ अल्लाह मिलते हैं। अल्लाह से मस्जिद में ही मिलते हैं? नहीं, अल्लाह तो सारे जहान में मिलते हैं। इस सड़क पे? हाँ। मॉल में? हाँ। सब्जी बाजार में? हाँ। मंदिर में भी? हाँ भैया। तो फिर मस्जिद में भगवान क्यों नहीं मिल सकते? वैसे अगर मैं अल्लाह से कुछ मांगना चाहूँ, क्या वो मेरी बात सुनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सुनेंगे। तो अगर अल्लाह मेरी बात सुनने को तैयार है तो आप क्यों नहीं सुन रहे? ईश्वर कौन सा लड्डू? मेरे दादाजी भी हमेशा लड्डू से ही शुरू करते थे। सबको सम्मति दे भगवान। और ये दक्षिणा? नहीं बेटा, ये किसी गरीब को दे देना। ओके बाय। उम्र ज़हनत कभी कुछ ऐसा न सिखा पाई।
वो सच्चाई जो भोली आंखों में दिखाई। Oh, shit, yeah.